अनंतवाड़ा नंदेरा रोड पर थड़ी से करीब 80,000 रुपए का सामान चोरी, बांदीकुई थाना क्षेत्र का है मामला। सूचना के बाद मंगलवार सुबह घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। पीड़ित भोलाराम सैनी ने बताया कि अल सुबह दुकान पर पहुंचने पर घटना का पता लगा, जिसकी सूचना बांदीकुई पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बांदीकुई पुलिस ने घटना स्थल की जानकारी ली। पीड़ित भोलाराम सैनी ने बताया कि थड़ी का ताला तोड़ परचूनी का सामान, फ्रिज, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान बदमाश चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए है। गौरतलब है कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों मकानों से भी चोरी हुई है, साथ में ही चोर बाइक भी उठा रहे हैं, पर पुलिस आज तक इनका खुलासा नहीं कर पा रही है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। नंदेरा से जो अंतवाड़ा रोड जा रहा है उस पे हमारी जो दुकान है गवर्नमेंट स्कूल के पास में, वहाँ पे रात को चोरी हो गई है, तो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। उसमें एक फ्रिज चोरी हो गया और गैस सिलेंडर चोरी हो गया, एक प्रिंटर था फोटोकॉपी का वो चोरी हो गया, और कुछ छोटी मोटी मिठाई के डिब्बे, नमकीन, कुरकुरे, बीड़ी, माचिस, बिस्कुट के पैकेट वो चोरी हो गए, और एक जो हमारे टावर का जो काम करते हैं उसका रस्सा भी चोरी हो गया, और हमें कुछ बाइक के कुछ निशान मिले हैं। तो देखते हैं आगे, कंप्लेंट भी करवा दी हमने पुलिस थाने में, क्या कार्रवाई होती है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार सैनी, जो टावर में भी काम करता हूँ और दुकान पे भी काम करता हूँ, दुकान भी खोल रखी है और बड़ा भाई भी रहता है दुकान पे। तो आज रात को चोरी का अंजाम दिया गया। आप सुन रहे थे दुकान पर काम करने वाले पीड़ित को।